नाउ नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज एक्स इक्वल टू 4/5 एक्स प्लस 10। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और जो अपॉन है वो फ्रैक्शन उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 5 × x दैट इज 5x और 4 × x प्लस 10 4x प्लस 4 × 10 = 40। क्लियर, 4 × 10 = 40। तो देन 4x टेकिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, 5x माइनस 4x इट बिकम्स x और 40 अपनी जगह है पॉजिटिव 40, सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 14। सो सेम एज फिर आपने चेकिंग करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिया राइट हैंड साइड लिया, पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्व इट। क्लियर। सो नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन इज, अब नाइन्थ क्वेश्चन में फ्रैक्शंस भी हैं, करना हमने वैसे ही है, वेरिएबल्स अगर दोनों तरफ आते हैं नंबर्स आते हैं, टेकिंग वेरिएबल्स एट वन साइड एंड नंबर्स एट वन साइड। तो माइनस का वाई है टेकिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स पॉजिटिव वाई, 2y प्लस वाई दैट इज 3y एंड 26/3 प्लस 5/3 है टेकिंग टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स -5/3। नाउ टेकिंग एलसीएम, फ्रैक्शंस हमेशा एलसीएम में सॉल्व करते हैं, सो एलसीएम टेकिंग एलसीएम योर डिनोमिनेटर सेम, सो एलसीएम इज 3, 26 - 5 सो इट बिकम 21/3, 3 × 1 = 3, 7 = 3, 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई टेकिंग टू द लेफ्ट राइट हैंड साइड इट बिकम्स डिवीजन, दैट इज y वैल्यू इज 7/3। देन सेम चेकिंग, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पुटिंग द वैल्यू राइट हैंड साइड पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्व इट। क्लियर, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर रिमेनिंग पार्ट्स, इन इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर।